मैं नीलम नमस्कार न्यूज में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो आज हमारे साथ हैं अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री संजय तिवारी जी। संजय जी पहले ये बताइए, ये अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा क्या है? अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा एक राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक संगठन है जो आज एक राज्य से होते हुए आज देश के 17 राज्यों में हम लोग पहुँच चुके हैं और हमारी जो सदस्यता संख्या है वो 19 लाख के आसपास है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड और महाराष्ट्र, उड़ीसा, बहुत से राज्य हैं, सारे राज्यों में हमें इसका बहुत समर्थन मिला है। और हमने ब्राह्मणों के लिए, संगठन ने बहुत से काम किए हैं, ऐसे काम किए हैं जो न तो उनको सरकारें सपोर्ट करती हैं और न ही उनको लोग सपोर्ट करते हैं, यहाँ तक कि राजनीतिक लोग भी केवल उनका सपोर्ट ले लेते हैं, उनका पूरा फ़ायदा उठाते हैं, उसके बाद उनको बिल्कुल उनके मतलब ही नहीं रखते कि उनके लिए भी कुछ करना है। संजय जी, ये SC ST एक्ट लगाने के बाद भी क्या ये समझ चाहेगा मोदी सरकार वापस आए, वोट देंगे? अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा जो है वो कभी भी किसी भी पार्टी के साथ नहीं रहती है, वो हमेशा ये सोचती है कि हम उस पार्टी को वोट दें या उस संगठन को वोट दें जो राष्ट्रहित की बात करे। और आज की समय में जो है सबसे ज़्यादा राष्ट्र के लिए जो काम कर रहा है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है या मोदी जी स्वयं कर रहे हैं, तो हम लोग ये चाहते हैं कि उसको समर्थन करें लोग, ब्राह्मण समाज जो है उनको समर्थन कर रही है। इसके बाद जो है SC ST एक्ट जो लागू हुआ था उससे ब्राह्मणों का बहुत नुकसान हुआ था और ये बहुत गलत कानून था, इससे सवर्ण समाज जो है सरकार के खिलाफ हो गया था और फिर उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी ये रूलिंग दी है कि अब जांच हो जाए उसके बाद ही उस पर कार्रवाई हो, अब गिरफ्तारी ना हो। तो अब धीरे धीरे वो सब बातें भूल चुके हैं लोग और अब फिर से एक नए जोश के साथ लोग सरकार के साथ हैं। ब्राह्मण समाज के लिए आगे चुनावी रणनीति क्या है आपकी? ब्राह्मण समाज के लिए, ब्राह्मण समाज जो है इस चुनाव में अपने समाज के लोगों को जिताना चाहता है और ये चाहता है कि उनकी भागीदारी और उनकी समस्याओं को सरकारें सुने, जो भी चुनी हुई सरकार हो उनकी सुने और हम लोगों को पूरा सम्मान दें। हम लोग तो ब्राह्मण समाज हमेशा राष्ट्र के लिए रहा है, किसी जात विशेष के लिए नहीं रहा है, ना हमारी किसी समाज से हमारी कभी दुश्मनी रही है, हमने सबको साथ लेकर के चले हैं। पर ब्राह्मण समाज हमेशा दरिद्र रहा है, वो बहुत पैसे वाला नहीं है। ब्राह्मण समाज में जन्म हो जाने का मतलब ये नहीं होता है कि वो बहुत पैसे वाला है। हमारे समाज के लोग बहुत गरीब हैं, इतने गरीब हैं कि उनको 2 जून के खाना नहीं मिल पाता है। तो सरकारों को ये सोचना चाहिए कि जो आरक्षण है तो आरक्षण में जो है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को आरक्षण है इस हिसाब से हो जाए, न कि जातियों के हिसाब से। ऐसी जातियां हैं जैसे कि हरिजन जाति है, ये बहुत पैसे वाली है और बहुत ऊपर हो गई है, उनके उत्थान के उनके लिए ही, उनको उत्थान के लिए ही ये आरक्षण व्यवस्था लागू की गई थी उस समय, और अब समय बदल चुका है, 60 साल बाद इसको ख़त्म हो जाना चाहिए। जैसे कि देखा गया है पुराने समय से लेके आज तक ब्राह्मण समाज एक गरीब तबके का रहा है, मतलब उस बारे में आप क्या बोलेंगे? गरीब पहले तो था हमारा ब्राह्मण समाज और आज धीरे धीरे हम लोगों ने बहुत मेहनत की, हमारे लोग युवा पढ़ने लिखने में हम लोग सब आगे थे, तो जो पढ़ाई लिखाई से हम लोग अब बहुत आगे हैं, अब हम लोग पिछड़े नहीं हैं। लेकिन हाँ, गरीब बहुत हैं हमारे समाज के लोग जो है, दरिद्र बहुत हैं, उनमें पैसा नहीं है, खाने के लिए पैसे नहीं है, पढ़ाई के लिए पैसे नहीं है, जैसे अन्य जातियों को लोग सहयोग करते हैं। हमारा जो एक आंदोलन चलाया था हमने पिछले दिनों, वो हमने ब्राह्मण आयोग के गठन की मांग की थी और इसके ब्राह्मण आयोग का गठन हमने हिमाचल प्रदेश में और तेलंगाना में करवा चुके हैं। हमारी लड़ाई ब्राह्मण आयोग के गठन के लिए है, अगर ब्राह्मण आयोग का गठन हो जाता है तो हमारे समाज के लिए स्पेशल एक गवर्नमेंट फंड कर देती है। जैसे कि आपने सुना होगा अल्पसंख्यक आयोग हैं, पिछड़ा वर्ग आयोग हैं, है ना, कई समाज के अलग अलग आयोग खुले हैं, ऐसे ही हम ब्राह्मण आयोग का मांग कर रहे हैं सरकार से कि ब्राह्मण आयोग का गठन हो, दो राज्यों में हमने करवा भी लिया। ब्राह्मण समाज के लिए आगे कौन सी नई योजनाएं लाने वाले हैं? ब्राह्मण समाज के लिए हमारा संगठन जो है, एक तो क्या है कि हमारे संगठन में कभी भी कोई ये सदस्यता शुल्क हम लोग नहीं लेते हैं, हम लोग जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो आजीवन सदस्य रहता है। दूसरा, हम लोग जो है हर साल एक से एक गरीब लड़कियों की जो है शादियाँ कराते हैं, वो हर राज्य में हर साल अलग अलग होता है, जैसे पिछले साल हम लोगों ने गुजरात कराया था, इस बार जो है राजस्थान में होगा, तो अलग अलग तरीके से है। इसके बाद हमने अपने ब्राह्मण समाज के लिए जो गरीब बच्चे होते हैं उनके लिए एक हॉस्टल खोल रखा है, उसमें 350 बच्चे नोएडा में हमारे रहते हैं, उसका कोई खर्चा हम बच्चों से या उनके पेरेंट्स से नहीं लेते, उसका सारा खर्चा हमारा संगठन समाज करता है।